चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज, जो कि कॉमर्स के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ जो बच्चे बीकॉम एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। लास्ट वीडियो में 60 तक क्वेश्चन देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 70 तक। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग रेशियो से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट का एक टूल्स है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 61, तरलता मापने के दो आधारभूत मापदंड हैं, टू बेसिक मेजर ऑफ लिक्विडिटी आर। ऑप्शन ए है इन्वेंट्री टर्नओवर एंड करंट रेशियो, बी है करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, सी है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो, और डी है करंट रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, चालू अनुपात एवं शीघ्र अनुपात। क्वेश्चन नंबर 62, करंट रेशियो इज, ऑप्शन ए है सॉल्वेंसी रेशियो, बी है लिक्विडिटी रेशियो, सी है एक्टिविटी रेशियो और डी है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो जो चालू अनुपात है करंट रेशियो वो लिक्विडिटी रेशियो होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लिक्विडिटी रेशियो, तरलता अनुपात। क्वेश्चन नंबर 63, करंट रेशियो इज, चालू अनुपात है, ऑप्शन ए है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, बी है फिक्स्ड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, सी है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, डी है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो जो चालू अनुपात होता है करंट रेशियो वो होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चालू संपत्तियां बटे चालू दायित्व, तो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 64, तरल संपत्तियों में सम्मिलित नहीं होता है, लिक्विड असेट्स डू नॉट इंक्लूड। ऑप्शन ए है बिल्स रिसीवेबल, बी है डेटर्स, सी है इन्वेंट्री, डी है बैंक बैलेंस। तो पहले समझ लेते हैं हम लोग लिक्विड असेट्स होता क्या है। ऐसी संपत्तियां जिसको विद इन अ मंथ हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या तुरंत जरूरत पड़ने पे कैश में कन्वर्ट कर लें। तो जितने भी करंट असेट्स होते हैं उनको हम सबको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक और प्रीपेड को हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो स्टॉक का मतलब इन्वेंट्री से है, तो यहां पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इन्वेंट्री रहतिया। क्वेश्चन नंबर 65, आदर्श चालू अनुपात है, आइडियल करंट रेशियो इज। ऑप्शन ए है 1:1, बी है 1:2, सी है 1:3, डी है 2:1। तो जो आइडियल करंट रेशियो होता है वो होता है 2:1। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2:1। इसका ये मतलब होता है कि जो हमारे बिजनेस में करंट असेट्स होते हैं वो करंट लायबिलिटी की दुगनी होनी चाहिए। तो बिजनेस में पोजीशन काफी अच्छी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 66, वर्किंग कैपिटल इज द, ऑप्शन ए है कैश एंड बैंक बैलेंस, बी है कैपिटल बोरोड फ्रॉम बैंक्स, सी है डिफरेंस बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, डी है डिफरेंस बिटवीन करंट असेट्स एंड फिक्स्ड असेट्स। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होता है। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चालू संपत्तियों व चालू दायित्वों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 67, चालू संपत्तियों में केवल उन्हीं संपत्तियों को सम्मिलित किया जाता है जिनसे खाली जगह दिया है में धन वसूली की संभावना होती है। करंट असेट्स इंक्लूड ओनली दोज असेट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन, तो मतलब विद इन कितने दिन में, कितने महीने में, ऐसा कुछ है। तो यहाँ जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है 3 मंथ, बी है 6 मंथ, सी है 1 ईयर, डी है 2 ईयर। तो यहाँ आंसर जो है इसका होगा विद इन अ ईयर, मतलब करंट असेट्स वे असेट्स होते हैं जिनको हम विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 ईयर। क्वेश्चन नंबर 68, किसी व्यवसाय की खाली जगह है का माप उसके अल्पकालीन दायित्वों के देय होते ही भुगतान करने की क्षमता से है। द डैश ऑफ अ बिजनेस फॉर्म इज मेजर्ड बाई इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन एज दे बिकम ड्यू।
ऑप्शन ए है एक्टिविटी, बी है लिक्विडिटी, सी है डेप्ट, डी है प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तरलता लिक्विडिटी। क्वेश्चन नंबर 69 आदर्श शीघ्र अनुपात है आइडियल क्विक रेशियो इज ऑप्शन ए है 1:1, बी है 1:2, सी है 1:3, डी है 2:1। आइडियल क्विक रेशियो इज इक्वल टू 1:1, मतलब ये कि हमारे बिजनेस में लिक्विड असेट्स या क्विक असेट्स करंट लायबिलिटी के इक्वल होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1:1। क्वेश्चन नंबर 70 तरल संपत्तियों में शामिल नहीं होता है क्विक असेट डू नॉट इंक्लूड। ऑप्शन ए है कैश इन हैंड, बी है प्रीपेड, सी है टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, डी है ट्रेड रिसीवेबल। क्विक असेट्स का मतलब होता है जो विद इन ए मंथ कैश में कन्वर्टेबल होता है। तो सारे असेट्स कैश में कन्वर्टेबल होते हैं जो करंट होते हैं, मतलब करंट असेट्स को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन सिर्फ स्टॉक और प्रीपेड को छोड़ करके। तो यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन में दिया है, अगर स्टॉक होता तो उसको भी हम मानते हैं कि वो भी हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब तरल संपत्तियों में शामिल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पूर्वदत्त व्यय प्रीपेड एक्सपेंस। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।